हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी फ्रेंड है, मैं इनका मेकअप कर रही थी, तो तीज मेकअप मैं कर रही थी, तो सोची मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। वैसे कोई प्लान था नहीं मेरा वीडियो बनाने का, तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये देख के मॉइस्चराइजर प्राइमर लगा चुकी हूँ। अब ये मैं क्रायलॉन सुप्रा का ये कंसीलर यूज कर रही हूँ FS22। उसके ऊपर फिर ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, उसके बाद फिर आई मेकअप मेरा होगा। ये देखिए, अब मैं पहले ब्लेंडिंग करूँगी पिंक और ब्राउन के साथ, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है आई मेकअप में। बिना ब्लेंडिंग का आई मेकअप अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये क्रीज बना रही हूँ, क्योंकि ये इन्हें मेकअप तो सिंपल चाहिए था, पर आई मेकअप साड़ी के अकॉर्डिंग चाहिए था ब्लू और ग्रीन में, तो इसलिए मैं क्रीज बना रही हूँ। उसके ऊपर ये कलर दूंगी ब्लू और ग्रीन, तो ये मैं क्रीज बना रही हूँ, क्योंकि क्रीज बनाने के बाद ना आई मेकअप उभर के दिखता है, इसलिए मैं क्रीज बना रही हूँ। तो ये देखिए, एक मेरा क्रीज बन गया है, दूसरा मैं क्रीज बना रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा मेकअप कैसा हुआ है एंड में। तो फिलहाल देखिए मैं कैसे कर रही हूँ और क्या क्या लगा रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा क्रीज इसका भी ये पूरा हो गया है। उसके बाद क्रीज बनाने के बाद मैं ग्रीन और ब्लू के साथ ब्लेंड करूँगी, वो भी क्रीज के अंदर, क्योंकि क्रीज ना हटना नहीं चाहिए था, इसलिए क्रीज के अंदर ही ब्लू और ग्रीन से मिक्स मैच करके ये कलर दूंगी, क्योंकि दोनों अलग अलग दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं दोनों को मिक्स मैच करके दूंगी। एक कॉर्नर पे ग्रीन और एक कॉर्नर पे ब्लू, और दोनों को मिक्स मैच करूंगी। उसके बाद मैं ये ग्लिटर ले रही हूँ, सिमरी ग्लिटर है लिक्विड वाला, क्योंकि ये लगाने के बाद ना आई में शाइनिंग आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा शाइन कर रहा है आई। उसके बाद मैं थोड़ा फिर से ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर ब्राउन कलर से, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद जितना आप ब्लेंड करोगे ना उतना ही अच्छा आई मेकअप होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा और ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि आईलाइनर तो उसके बिना तो आई मेकअप अधूरा ही है। तो ये लग चुका है मेरा आईलाइनर। उसके बाद मैं लगाऊंगी कलर करेक्टर फेस पे, क्योंकि कलर करेक्टर तो बहुत ही ज़रूरी है लगाना। तो ये मैं क्रायलॉन सुप्रा का 303 कलर करेक्टर ली हूँ ऑरेंज कलर का, क्योंकि जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है वहाँ तो कलर करेक्टर लगेगा, ये आई के नीचे और माउथ के पास, फोरहेड पे थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे सबको कलर करेक्टर लगाने का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ सबको डार्क स्पॉट थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर करेक्टर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ली, जो गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, आपको अगर गर्मियों के मौसम के लिए फाउंडेशन चाहिए तो ये फॉरएवर 52 का फाउंडेशन आप आराम से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। हाँ, आपके फेस के कलर के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा, आपके शेड कलर शेड आपको लेना पड़ेगा, तो ही आपका मेकअप काला नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, ब्लेंड इसमें बहुत ही करना ज़रूरी है डैब डैब करके। तो मैं यहाँ पे इनका ये फाउंडेशन ये डैब डैब करके लगा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल आराम से ये ब्लेंड हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। उसके ऊपर मैं ये लेकमे का कॉम्पैक्ट पाउडर फेस पाउडर यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है, फेस पाउडर तो बहुत ही ज़रूरी है फेस पे लगाना। तो उसके बाद मैं ये फेस पाउडर लगाऊंगी। उसके बाद मैं ये ब्लशर यूज कर रही हूँ, इसे ब्लशर बहुत ही लाइट चाहिए था, इसलिए मैं ये बहुत ही लाइट ब्लशर लगा रही हूँ। मैं ब्लशर तो दिखा नहीं पाई, क्योंकि इनको बहुत ही लेट हो रहा था पूजा में जाने के लिए, तो मैं ये शुगर का ब्लशर यूज कर रही थी। मैं अब ये जल्दी जल्दी मेकअप करने लगी, क्योंकि इन्हें लेट हो रहा था तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। तो ये मेरा ब्लशर लग चुका है, बिल्कुल ही हल्का ब्लशर मैं लगाई। तो अब मैं नोज कंटूर कर रही हूँ, क्योंकि नोज कंटूर से थोड़ा नाक सही और अच्छा दिखता है। वैसे इनका नाक तो पहले से ही अच्छा था, तो ये देखिए मेरा कंटूर। अब मैं हाथ से ही कंटूरिंग कर दी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में करने लग गई थी, तो